हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं ताशिक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि डिजाइन क्राउड के ऊपर अकाउंट किस तरह से बनता है। कल हम लोग इसके ऊपर फिर अकाउंट को अप्रूव करवाना देखेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। डिजाइन क्राउड पर अकाउंट बनाने से पहले आपने सबसे पहली चीज क्या करनी है, गूगल पे जाके, माइक्रोसॉफ्ट बिंग पे जाके आपने सर्च करना है नेम कंपेनर। क्योंकि जब भी आप कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या कोई भी अपना अकाउंट बना रहे हो, आपने एक ऐसा नाम सोचना है जो कि इंटरनेट पे ऑलरेडी ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, नेम कंपेनर पे जाना है, ठीक है। और जो दो कीवर्ड्स, तीन कीवर्ड्स, चार कीवर्ड्स आपने दिमाग में सोचे हुए हो, ठीक है, वो आपने यहाँ पर इनपुट करने हैं, ठीक है। तो मेरे जहन में क्या है कि मेरा नाम क्या है, इतिहास है, मैंने इतिहास लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर लिख दिया लोगो, ठीक है। लोगो से रिलेटेड अकाउंट बनाना है मुझे, ग्राफिक्स से रिलेटेड बनाना है, तो मैंने क्या लिखा, इतिहास और लोगो। तो मुझे जो यहाँ पर कॉम्बिनेशन मिले उनके अंदर से जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो लगा मुझे यहाँ पर इप्टिको, ठीक है, जैसे इंडिगो या इस तरह से। तो एक अच्छा सा यूनिक सा नाम, कैची सा नाम है, सर्च मैंने किया इसको गूगल पे, ऑलरेडी किसी और का नहीं था, ठीक है। फिर मैंने इसकी क्या किया, इसी नाम से मैंने ईमेल एड्रेस बनाया, iptigo@outlook.com, ठीक है। उसके बाद हम गए डिजाइन क्राउड पे। डिजाइन क्राउड पे जाने के बाद मैंने क्या किया, रजिस्टर पे जब क्लिक करूंगा यहाँ पर एक फॉर्म खुलेगा जिसपे जाके आपने क्या करना है, अपना जो भी नाम है वो लिखना है और ईमेल एड्रेस डालना है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है, आई एम अ डिजाइनर, और कंटिन्यू पे जब क्लिक करेंगे, ठीक है। अच्छा, पासवर्ड वगैरह आप सेव कर लें। डिस्प्ले नेम जो होगा यहाँ पर, वही जो अकाउंट का हमने इप्टिको सर्च किया वो लिखेंगे। यहाँ पर इप्टिको लिख दिया, फर्स्ट नेम हमने लिख दिया था, लास्ट नेम हमने शेख लिखा, ठीक है। कंट्री आपने पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान लिखते हैं, वरना कोई और लिखते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है, जहां से भी आप बना रहे हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, पेनियर पे क्लिक करना है, भले बनावा ना भी हो आपका, आपने पेनियर पे क्लिक करके सेम पेमेंट ईमेल जो है उसके अंदर क्या करना है, सेम एज साइन अप ईमेल, ठीक है। इस पे क्लिक किया आपने, क्रिएट एंड कंटिन्यू, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर एक ईमेल आएगी इनकी, जिसके ऊपर जाकर आप ईमेल को कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका ईमेल वेरीफाइड हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर सारे स्टेप्स आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। टेल अस व्हाट टाइप ऑफ क्रिएटिव यू आर, कंप्लीट पे जाके आपने क्या करना है, यहाँ से इस तरह से जो भी कैटेगरीज हैं वो आपने चूज कर लेनी है। मैं फिलहाल सबको नहीं करता, ठीक है, हम सिर्फ करेंगे इसके अंदर लोगो, बिजनेस कार्ड, वेब पेज भी नहीं बनाएंगे हम, स्टेशनरी को ऐड कर लेते हैं, फ्लायर्स को ऐड कर लेते हैं, ठीक है जी, और कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लिक हेयर पे दोबारा जाएंगे, ठीक है। ये प्रोफाइल आपकी कंप्लीट होती जाएगी इस तरह से। विजिट द जॉब बोर्ड, इस पर क्लिक किया आपने तो ये एक स्टेप और कंप्लीट हो गया आपका। फिर दोबारा बाहर आए इस तरह से और ओवरव्यू पे जा, अच्छा हाँ ये पे एड योर प्रोफाइल पिक, ठीक है। इसको अभी हम करते हैं, प्रोफाइल पिक के अंदर क्या लगाना है हमने, एड एन अबाउट मी टू योर प्रोफाइल, इस पे गए और यहाँ पर पब्लिक प्रोफाइल में जाके आपने यहाँ पर कुछ भी अपने बारे में लिखना है कि कोई भी कोटेशन लिख लें। अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, आप गूगल पे गए, ठीक है, और यहाँ पे जाके आपने क्रिएटिव कोई भी कोट सर्च की, ठीक है, ये आपने यहाँ से ले जाके आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। और एक मिनट, ठीक है, यस ऑफर मी वर्क, ठीक है, इस पे क्लिक करने दिया। और यहाँ पे जाके आपने क्या करना, हायर न्यू डिजाइन, क्योंकि जब प्रोफाइल के ऊपर नए डिजाइन शो हो रहे होते हैं ना आपके, तो कोई भी आके उनको रिपोर्ट कर देता है और फिर ज्यादा मसले मसाइल होते हैं। तो आपने यहाँ पर हायर न्यू डिजाइन पे क्लिक कर दिया, अपडेट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। दोबारा आप बाहर आए, क्लिक हेयर पे क्लिक कर दिया आपने। उसके बाद आपने क्या करना है, ऐड योर, अच्छा ये तो अभी करते हैं हम, रिव्यू, इस पे जाके आपने एक्सेप्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। और लास्ट स्टेप क्या होगा, सबमिट योर फर्स्ट डिजाइन, वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन फिलहाल हम ऐड योर प्रोफाइल पिक पे, हमने प्रोफाइल लगानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब जो इंडिगो इप्टिगो हमने जो नाम सोचा है कंपनी का अपनी, उसका हम एक लोगो बनाएंगे, ठीक है। लोगो बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाकर एक लोगो क्रिएट कर लेता हूँ, जस्ट को एक सा लेटर मार्क का फोल्डर ये रहा, ठीक है। इसमें हम ट्रायंगल के अंदर एक लेटर मार्क क्रिएट कर लेते हैं आई से, ठीक है, लेट्स सी क्या बनता है।
ठीक है, आई यहाँ पे निकल गया, इसी तरह से यहाँ पे एक आई निकाल दी हमने और एक आई हमने यहाँ पर निकाल दी इस तरह से। ठीक है, बस एक सिंपल सा क्विक सा एक आइकन क्रिएट कर लेते हैं फिलहाल डीपी पे लगाने के लिए उसकी। और जो इसका आर्टबोर्ड का साइज रखना है आपने वो 300x300 रखना है। ठीक है, ये रखा आपने, और इसको आपने कोई भी ग्रेडियंट दे दिया। यहाँ से जाके मैं इस तरह का एक ग्रेडियंट बना देता हूँ इसका। ठीक है, ये आ गया ग्रेडियंट हमारा। और इसकी हमने क्या करना है, पीएनजी सेव करनी है। ठीक है, अच्छा पीएनजी सेव करने से पहले आपने क्या करना है, एक रेक्टेंगल भी लगा दें 300x300, ताकि उसका बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट ना हो, क्योंकि वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है ना पिक्चर अपलोड करने की, इस पे जाता हूँ मैं एडियो प्रोफाइल पिक पे, तो यहाँ पर देखें साइज का लिखा हुआ है 300x300 और पीएनजी फाइल होगी। ठीक है, पीएनजी अपलोड करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा मसले मसाइल होते हैं, तो आपने क्या करना है, इसका बैकग्राउंड कलर वाइट करना है ये लगा के। और जब आप ऑल्टर कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस कर रहे होंगे तो यहाँ से आपने पीएनजी सेलेक्ट कर लेना है। अब क्या होगा कि बैकग्राउंड जो वाइट ही रहेगा, ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, फाइल जो है हमारी पीएनजी में बन जाएगी। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आके इफ्टी गो करके हम सेव कर लेते हैं इसको, जेपी पीएनजी को अपनी, और इसको हम वो कर देते हैं, इसकी फाइल भी सेव कर लें, शायद आगे जाके काम आ जाए कहीं ना कहीं। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर जाके अपनी फाइल अपलोड करनी है वर्क के फोल्डर में जाके। ठीक है जी, अपडेट डिटेल्स पे क्लिक किया हमने, हमारे सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए, सिर्फ एक स्टेप रह गया अब हमारा, जो कि है डिज़ाइन सबमिट करने का। ठीक है, डिज़ाइन सबमिट करने का तरीका मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इसके ऊपर ये होता है, कम से कम 3 से 5 डिज़ाइन हमने अप्रूव करवाने होते हैं। कॉन्टेस्ट में जाके ब्राउज पे जाएंगे आप, लोगों के अंदर जाएंगे, इधर जाके आपने अपनी मर्जी के कोई भी कॉन्टेस्ट चूज करना है। ठीक है, लोगों से रिलेटेड हो, और भी कैटेगरीज हैं यहाँ पे बहुत सारी। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा आते हैं लोगो डिज़ाइन के कॉन्टेस्ट। तो आपने क्या करना है, कोई भी आपने ब्रीफ खोली, ठीक है, ब्रीफ खोल के हम लोगो पढ़ेंगे इस तरह से, और उसका लोगो बना के सबमिट पे क्लिक करके सबमिट कर देंगे। ठीक है, आर्टबोर्ड का साइज होगा 1200x900। मैं ये करूंगा कि अब आगे की जितनी भी वीडियोस आएंगी उसके अंदर आप लोगों को एक एक कॉन्टेस्ट डेली की बेसिस पे बना के दिखा के उसको अप्रूव करवा के दिखाऊंगा। लेकिन आप लोगों ने, अच्छा अगर सेम बना के सबमिट कर देंगे तो जाहिर सी बात है वो आपका अकाउंट भी बैन हो जाएगा, हमारा भी अकाउंट बैन हो जाएगा, तो हमने ये चीज नहीं करनी। आप लोगों ने क्या करना है, अपने हिसाब से कॉन्टेस्ट चूज करना है, मैंने अपने हिसाब से करना है। तो फिर अभी फिलहाल के लिए इसको वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और फिर मैं आप लोगों को आगे की वीडियोज के अंदर बताऊंगा कि किस तरह से अकाउंट अप्रूव होगा, किस तरह से कॉन्टेस्ट खेलना है आपने, फिर आपने उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने कॉन्टेस्ट खेलना है, और जब अकाउंट अप्रूव हो जाए उसके बाद आप लोग इस पे शुरू हो जाए काम करें। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इस वीडियो से आपने लर्न किया होगा बहुत कुछ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलता हूँ आप लोगों से अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।